वेलकम बैक गाइज। पिछले लेक्चर में हमने लेंस के बारे में और उसके दो इम्पॉर्टेंट टाइप्स के बारे में स्टडी किया है। अभी इसके पहले हमने देखा था कि जब रिफ्लेक्शन की बात कर रहे थे तो रिफ्लेक्शन के केस में फिर हमने मिरर पढ़ा था कि मिरर से जो भी रिफ्लेक्शन होता है उसके बारे में हमने देखा था, उससे साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ा था, उससे इमेज कैसे फॉर्म होती है उसके बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद हम आए इधर, हमने पढ़ा फिर यहाँ पर रिफ्रैक्शन के बारे में। तो रिफ्रैक्शन के बारे में हमने पढ़ने के बाद से फिर हम आए लेंस पे। अब लेंस में क्या है, जैसे वहाँ पे एक मिरर था वैसे यहाँ पर एक लेंस है। सेम चीज़ें यहाँ भी पढ़ेंगे, यहाँ भी साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे, उससे जो भी इमेज फॉर्म होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने जो है मिरर वाले लेक्चर अच्छे से पढ़े हैं, उनको अच्छे से देखे हैं, तो आपको जो है लेंस को पढ़ने में ज़्यादा जो है प्रॉब्लम नहीं होगी, इसको समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये भी सिमिलर है, बस बहुत थोड़ी सी चीज़ें इसमें डिफरेंट होती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि साइंस में हम जो भी पढ़ते हैं वो अपने आसपास की चीज़ों से रिलेट करके हमें पढ़ना चाहिए, जिससे हमें अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। अगर हम उन आसपास की चीज़ों से रिलेट करके नहीं पढ़ते हैं, हमें चीज़ें उतनी अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो जो भी आप पढ़ें उसको अपने आसपास की चीज़ों से रिलेट करें अच्छे से, उसके बाद उसको समझें, कभी भी उसको रटे नहीं, बिना रटे समझ करके पढ़ें, फिर चीज़ें जो हैं अपने आप याद रहेंगी। और एक चीज़ और है कि कभी भी फंडामेंटल पे क्वेश्चन ना करें। जैसे कुछ लोगों का होता है कि पूछते हैं 2+2 4 ही क्यों होता है, ये सब चीज़ें फंडामेंटल है। अब ऐसे नहीं, अगर हम बात करें कि जब एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो डेविएट ही क्यों हो जाती है, तो एक आपके लिए अभी एक फंडामेंटल एक क्वेश्चन की तरह है। तो ये जो है अभी आप इसको नहीं समझ सकते हैं, ये जो है थोड़ा आपके समझ से बाहर की चीज़ है। जब आप इसको हायर स्टडी करेंगे तब उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा कि आखिरकार क्या चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट करती हैं जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रेज जाती है। ठीक है, तो अभी इन चीज़ों को आप बस यूँ समझे कि जब लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो डेविएट होती है, इस चीज़ को याद रखें। ठीक है, वो आप आगे की बात है कि जब आप इसको समझ पाएंगे। इसमें जो है काफ़ी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से लाइट रेज जो होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ज़्यादा टाइम पे वो डेविएट हो जाती है। अगर आपको कुछ सीखना है तो आप फंडामेंटल पे क्वेश्चंस ना करके आप चीज़ों को सीखिए। कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं जो टाइम के साथ वो जो है उनके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपको। ठीक है, आप जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें आप अभी इस टाइम पे आपको बताया जाए तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए कुछ चीज़ों को आप जो है याद रखें, उसको उतना अच्छे से आप समझ नहीं सकते लेकिन उन्हें बस याद रख सकते हैं। ये चीज़ें अगर ऐसे है तो इस केस में ये चीज़ होती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, कुछ टर्म्स देखते हैं जो लेंस में हम यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कॉन्वेक्स लेंस की, ठीक है, इसमें एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसमें आपको बताया था कि जो दो सरफेस होते हैं वो क्या होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। अगर स्फेरिकल सरफेस हैं तो एक क्या होगा, एक किसी एक स्फेयर का एक पार्ट होगा इस तरह से, और ए वाला जो होगा ये भी एक स्फेयर का पार्ट होगा। जब स्फेयर का एक पार्ट है, ये दो स्फेयर हो गए, ठीक है, तो इनके क्या होंगे, एक सेंटर भी होंगे कहीं इस तरह से, सेंटर वन सेंटर टू। ठीक है, आपको जब लेंस पढ़ाया था तब बताया था कि लेंस के जो दो सरफेस होते हैं एक कम से कम स्फेरिकल होगा, लेकिन जब कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं तो इसमें दोनों स्फेरिकल होते हैं। जब दोनों स्फेरिकल होते हैं तो इसमें क्या होगा, एक जो है एक स्फेयर बनाएगा, दूसरा सेकेंड वाला, इसमें क्या हो गया, सी वन हो गया, सी टू हो गया। अगर हम सी वन और सी टू को ज्वाइन कर दें तो ये आपकी बनती है प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो सेंटर होता है क्या होता है, सेंटर ऑफ
कर्वेचर। ऐसे ये भी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। ऐसे ही सेम जो होगा आपका कॉनकेव लेंस में भी होगा। कॉनकेव लेंस में इसमें एक इधर स्फेयर होगा और इस एक इधर स्फेयर होगा, ठीक है। इधर एक C1 C2, इसमें भी एक इसको मिलाएंगे तो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। और ये जो सेंटर होंगे वो क्या होंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। लेंस के केस में दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं और मिरर के केस में सिर्फ एक ही होता है। अगर हम बात करें, ये होता है आपका कॉनकेव और ये हो गया आपका कॉन्वेक्स। तो इसके केस में क्या होता है कि ये जो है एक ही किसी स्फेयर का एक पार्ट होता है और ये भी एक किसी एक ही स्फेयर का पार्ट होता है। तो इस वजह से यहाँ पे एक ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इसमें भी एक ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। लेकिन इसमें जो है दो जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे क्योंकि तो दो स्फेयर से बनता है। इसमें भी सेम केस होगा, दो होंगे, ठीक है। अब अगला टर्म है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है कि जो भी लेंस आपका होता है उसका जो सेंटर पॉइंट होता है वो होता है आपका ऑप्टिकल सेंटर। जो भी सेंट्रल पॉइंट किसी भी लेंस, अगर हम बात करें एक कॉनकेव लेंस की, इसमें भी जो भी सेंट्रल पॉइंट होगा वो आपका होगा ऑप्टिकल सेंटर। अब जैसे इसकी एक प्रॉपर्टी ये होती है कि जो भी लाइट रेज इससे पास होगी ऑप्टिकल सेंटर से, वो बिना डेविएट हो गए निकल जाती है एक तरफ से दूसरी तरफ। ऐसे इसके केस में होगा, बिना डेविएट हुए पास हो जाती है। अब अगर हम बात करें मिरर के केस में, तो मिरर के केस में क्या था, सेम इसी की तरह एक पॉइंट था जो क्या था, पोल था। ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर एक पोल था जिससे जो भी लाइट रेज जाती थी वो इस पॉइंट से सेम एंगल पे आई इक्वल्स आर। वैसे तो ये वाला जो रूल होता है हर जगह फॉलो होता है, लेकिन ये जो पॉइंट है कुछ इसी तरह का होता है जिसका हम यूज करेंगे इमेज फॉर्मेशन में, ठीक है। ऐसे ही इसका भी यूज करते थे इमेज फॉर्मेशन में। कुछ चीज़ें जो हैं सिमिलर इसी तरह से हैं, कुछ चीज़ें मिरर की और लेंस की कुछ सिमिलरिटी ऐसे मिलती हैं जिससे हमें दोनों को पढ़ने में आसानी होगी। लेकिन कभी कभी हमें बहुत ही कन्फ्यूजन भी हो जाता है कि लेंस और मिरर में क्या मतलब, कौन सी इमेज कहाँ पे बनेगी, कौन सी क्या प्रॉपर्टी है। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें, दोनों को मैशअप ना कर दें कहीं में। अगला पॉइंट है अपर्चर। तो अपर्चर की अगर हम बात करें तो हमने मिरर के केस में देखा था कि जो भी ये होता है एम, समझ लो ए हो गया एन, अगर एक मिरर है तो जितना ये पोर्शन है जिसमें कि हम लाइट का रिफ्लेक्शन देख सकते हैं, ठीक है, वो पूरा आपका जो जो भी डिस्टेंस होता होता है अपर्चर। सेम इसके केस में भी, लेंस के केस में भी होता है कि ये जो इतना पोर्शन है, अगर इसको एम और एन, तो ये जो डिस्टेंस है एम एन, सेम हियर एम एन, तो ये जो डिस्टेंस एम एन है वो होती है अपर्चर। अपर्चर से हमें पता चलता है कि लेंस की क्या साइज है, ठीक है। अब एक कॉन्वेक्स या कॉनकेव लेंस में दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं, तो जब दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं तो दो जो हैं फोकल लेंथ भी होगी या फिर फोकल डिस्टेंस भी होगी, ठीक है। अगर हम इस एक जो स्फेयर है और एक स्फेयर है, सपोज ये है C2 C1, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ये C1 है, ये C2 है, अगर एक लाइट रेज इधर से हम डालते हैं पैरेलल लाइट रेज, तो ये जो क्या होगा, एक पॉइंट पर कन्वर्ज होंगे इस तरह से। तो ये जो पॉइंट होता है ये होता है ये मेन फोकस होता है, ठीक है। ये इधर से डालेंगे तो
इस साइड में आके कन्वर्ज होंगे, और अगर इस साइड से डालेंगे तो सेम इधर यहाँ पर आकर के कन्वर्ज होंगे। तो ये जो फोकस होता है इसको बोलते हैं F2 और ये होता है F1। तो इस लेंस, अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो इसके केस में भी दो फोकस होते हैं, और अगर हम कॉन्केव की बात करें तो इसके केस में भी दो फोकस होते हैं। और जो ये ऑप्टिकल सेंटर है और मेन फोकस, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं फोकस डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस हो जाएगा F2, और इधर अगर बात करें तो हो जाएगा F1। ठीक है, ऐसे अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो इसके केस में क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, पैरेलल रे जा रही हैं। आपको पता है कि जब ये इससे रिफ्रैक्ट होंगी तो कैसे जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी, ऐसे डाइवर्ज होती हैं। तो आपको पता चल रहा है कि कहीं पर भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पीछे बढ़ाना पड़ेगा इन्हें। ठीक है, इन्हें पीछे बढ़ाएंगे तो एक पॉइंट पर कट करेंगी। जिस पॉइंट पे कट करती हैं वो होता है मेन फोकस। ऐसे ही अगर हम इधर से लाइट रेज डालते हैं राइट साइड से, तो कुछ एक पॉइंट इधर मिलेगा, ठीक है, वो भी मेन फोकस होगा। ये होगा F1, F2 और ये हो जाएगा आपका C2। ठीक है, तो ऐसे ही ये डिस्टेंस F2, ये हो जाएगी F1, फोकल डिस्टेंस, ये भी फोकल डिस्टेंस। अब यहाँ पर ये बात आती है कि हम कौन से फोकस को यूज करेंगे, कौन से फोकल डिस्टेंस को यूज करेंगे। तो सपोज अगर हम लाइट रेज इधर से डालते हैं तो हम ये जो F2 वाला है इस फोकल डिस्टेंस को यूज करेंगे कैलकुलेशंस के लिए, क्योंकि इससे हमें कोई मतलब नहीं है F1 से। इस टाइम पर जो भी हमारी इमेज बनेगी कहाँ पे बनेगी, F2 पे बनेगी, तो हमारी जो भी फोकल डिस्टेंस होगी वो F2 होगी। ऐसे ही इसके केस में हम क्या करेंगे, F1 को कंसीडर करेंगे, F2 से हमें कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम राइट साइड से अगर डालते हैं लाइट रेज, तब हमें क्या होगा कि F1 से मतलब होगा, F1 जो भी डिस्टेंस है उसको हम मेजर करेंगे, और इसके केस में F2 को हम कंसीडर करेंगे। इस चीज़ को अच्छे से समझ लें कि हम जो फोकल डिस्टेंस यूज करते हैं वो कौन सी फोकल डिस्टेंस यूज करते हैं और क्यों करते हैं। सपोज अभी मैंने बताया था कि अगर लाइट रेज इधर से जा रही है और तब ये जो है इस F2 पे वो कन्वर्ज होगी, ठीक है, तो हम उस टाइम पर इस F2 डिस्टेंस को यूज करते हैं। F1 को इसलिए नहीं यूज करते कि F1 का हम कहीं यूज नहीं कर रहे हैं, कोई हम इससे मतलब ही नहीं है। सपोज अगर हम बात करें एक वो जो सन रेज आती हैं उससे जो हम कागज़ के जलाने का एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके केस में क्या होगा कि सन से जो भी लाइट रेज आ रही हैं ऐसे वो पैरेलल आएंगी, और पैरेलल आएंगी तो आपको पता है कि मिरर के केस में आपने देखा था कि जो भी पैरेलल रेज आती हैं वो कहाँ पर फोकस होती हैं, मेन फोकस पे। सेम यहाँ भी ऐसे ही होता है कि जो भी पैरेलल रेज आती हैं वो जो आपके मेन फोकस पे कन्वर्ज होती हैं। तो मेन फोकस पे कन्वर्ज होंगी तो ये इस साइड में एक फोकस है, एक इस साइड में फोकस है, इस साइड वाले फोकस पे वो कन्वर्ज नहीं हो सकती क्योंकि इसमें रिफ्लेक्शन नहीं होता, इसमें रिफ्रैक्शन होता है। और रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि वो डेविएट होकर के एक पॉइंट पे कन्वर्ज होंगी इस तरह से। तो यहाँ पर जो भी कन्वर्ज होंगी वो कितनी डिस्टेंस पर आ रही है, F2 पे। और F2 पे इसका मतलब क्या होता है कि जो भी सन है आपका, ठीक है, इस सन का एक इमेज बन रहा है F2 पे, F2 डिस्टेंस पे, बहुत ही छोटा पॉइंट साइज का। ठीक है, ऐसे ही इसके केस में सेम केस है, सेम, बस हमने इसको उल्टा कर दिया है। इधर से हम लाइट रेज डाल रहे हैं यानी कि इधर सन है और इधर से आ रहा है, तो यहाँ पर एक जो है F1 जो है इस पर इमेज बन रहा है, यानी कि F1 डिस्टेंस पे लेंस से इमेज बन रहा है अपना। यानी कि इसके केस में हम F1 यूज करेंगे और इसके केस में F2 यूज करेंगे।